नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जामपुर पर। हम हैं कलम से क्रांति। बच्चों आज हम अपने सीपीयू के अगले टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज दिवाली का दिन है आपका, और दिवाली का मतलब टाइम चल रहा है और इस समय भी क्लास हो रही है, तो सोचिए एग्जामपुर आपके लिए कितना डेडिकेटेड है और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। वी आर कमिटेड टू एक्वायरिंग अ वेरी नाइस रिजल्ट फॉर यू। हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं अच्छा रिजल्ट आपको दिलाने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा स्लो रखेंगे। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि 20-22 क्वेश्चन हो पाते हैं, स्पीड कैसे ज़्यादा होती है मुझे समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो मैं आज स्पीड थोड़ा सा कम ही रखूंगा ताकि आपको बात समझ में आए, और 20 क्वेश्चन आज हम देखेंगे लगभग इसके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। तो अब आपको यहां पर एरर देखकर मुझे बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। तो पहला अपना क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रोशनी ऑलवेज वॉन्ट टू गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज वेदर शी डिजर्व्स इट और नॉट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गेटिंग योर प्लीज गेट योर टाइम एंड आंसर टू मी। हर एक क्वेश्चन पर हम लगभग 1 से 2 मिनट देंगे ताकि आप उनके आंसर्स दे सके मुझे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इसका क्या आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर करिए जरा जल्दी और बहुत ध्यान से मुझे आंसर देना है। आंसर आप देते रहिए, इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस में आपकी जो फ्लो है वो बना रहेगा। तो प्लीज आंसर टू मी। ठीक है, चलो शुरू करें। सो रोशनी ऑलवेज, कितनी रोशनी है यहां पर, कितनी रोशनी है भैया यहां पर, ध्यान से देखो कितनी रोशनी आपको दिख रही है। रोशनी तो कितनी है, एक ही रोशनी है, मुझे भी दिख रहा है एक ही रोशनी और आपको भी दिख रही होगी एक ही रोशनी यहां पर। तो इस हिसाब से यहां पर जो आपका आंसर था वो आपको सोचना पड़ेगा। क्या रोशनी जब एक है तो ये जो वॉन्ट लिखा है यही कुछ गड़बड़ है, ये जो वॉन्ट लिखा है ये गलत है, इसकी जगह क्या हो जाएगा वॉन्ट्स हो जाएगा। बात क्लियर? तो क्या होगा वॉन्ट्स होगा, क्योंकि रोशनी एक है तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे यस लगेगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट, और अब इसका आंसर आपको करना है। इसमें भी एरर आपको बतानी, सो प्लीज टेल मी द एरर इन दिस वन। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज टेल मी। This is the question again for you. जल्दी से मुझे बताइए क्या एरर हो सकती है इसमें। आप अपनी तरफ से आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी है आपका आंसर देना, क्योंकि आपके आंसर से ये होता है ना कि आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपका आंसर जो आया है वो किस हद तक आप उसे सही कर पाए। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने था ये वर्ड, देखिए रोहन्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, एक वर्ड होता है लेट और एक वर्ड होता है क्या लेटली। ठीक है, लेट एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, और लेटली सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। ठीक है, और यहां जो लेट है इसका मतलब जो है वो होता है देर से। ठीक है, अब रोहन की मां ने कहा, रोहन की मां ने एडवाइस किया उसे कि ड्राइव नहीं करना कार,
रात देर रात तक, यानी कि हाल ही में नहीं बल्कि देर रात तक। तो यहां लेटली नहीं आना चाहिए था बच्चे, क्या आना चाहिए था यहां पर, लेट आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लीजिए आप लेटली से रिलेटेड, वो क्या है वो भी सुन लीजिए। एक वर्ड है जो लेटली, उसके बारे में सुनिए। लेटली एक एडवर्ब होता है और लेटली के साथ हमेशा जो सेंटेंस आता है, जो सेंटेंस बनेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेटली के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा ये, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर लेटली नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था, लेट आना चाहिए था। तो बेटा कॉमन सेंस होता है इंग्लिश में, सिर्फ आपको उसका अर्थ जानना चाहिए और कॉमन सेंस से उसका मिलान करना चाहिए। अगला, आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण नॉर हिज फ्रेंड भरत इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें जान, आप आंसर कर दीजिए, जान बिल्कुल नहीं सेंटेंस में, आपसे एक मिनट में आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब जान नहीं होती सेंटेंस में तो मुझे तो लगता है मैं तुरंत बता दूं। चलो आगे बढ़े, आंसर देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों यहां सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। नाइदर अपने साथ क्या फॉलो करता है, नॉर आइद, ये ना एन है, क्या है ये एन, और आइदर अपने साथ क्या फॉलो करता है, और। सेंटेंस नकारात्मक बन रहा है, उसने इंसिस्ट किया, उसने तो कोशिश करी, यानी कि मैंने कोशिश करी, बट ना तो प्रवीण और ना ही उसका दोस्त भरत तैयार है किसके लिए, हॉलिडे पर काम करने के लिए। तो नाइदर के साथ यहां पर और नहीं बल्कि क्या फॉलो करना था, नॉर। दिस वुड बी योर आंसर। बात क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन, प्रभात इज इंप्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जरा आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा प्रॉब्लम ये भी होती है, अभी आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप बोर्ड पर नहीं है कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं गायब नहीं होता बल्कि वहीं होता हूँ, बस आपको जो बोर्ड से जगह, इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड के सामने टीचर होता है तो अपनी बात आप सही नहीं समझ पाते हैं या आपको बोर्ड ठीक से दिखाई देता है, इसलिए पूरी तरह से बोर्ड से हट जाना ही बेहतर होता है कि आप बोर्ड पर देख सकें। ठीक है चले आगे बढ़े। चलो, प्रभात इज इंप्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर से बहुत इंप्रेस हुआ है, क्यों, वो क्लेवरर भी है, कॉम्पेरेटिव डिग्री आ गई। ठीक है, कॉम्पेरेटिव डिग्री आ गई, और क्या है, देन तो कॉम्पेरेटिव, तो अम्यूजिंग भी है, तो क्लेवरर तो कॉम्पेरेटिव डिग्री, अम्यूजिंग थोड़ी ना कॉम्पेरेटिव डिग्री है, अम्यूजिंग कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं है, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा कॉम्पेरेटिव डिग्री मोर, क्योंकि अम्यूजिंग का अम्यूजर तो हो नहीं सकता, इसलिए मोर अम्यूजिंग लिखना पड़ेगा। बात समझ गए। अच्छा एक सेंटेंस मैं आपसे और दे रहा हूं, जरा बताइएगा मुझे, एक सेंटेंस है यहां पर, देखो, ही इज सीनियर एंड इंटेलिजेंट देन रोहित, he is intelligent and seen, he is senior and intelligent than Rohit, ये sentence है आपके पास। अब दिक्कत क्या है यहां पर,
दिक्कत समझने की कोशिश करो क्या है कि यहां पे देन लगा हुआ है, तो इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटर तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट। लेकिन बेटा गलती एक है यहां पर, वो गलती क्या है वो समझने की कोशिश करो। गलती यहां पर यह है कि सीनियर के साथ प्रपोजिशन तो देन लगती नहीं, वो क्या लगता है, टू लगता है। तो यहां पर आप पूरा ठीक करोगे, ही इज सीनियर टू एंड मोर इंटेलिजेंट देन रोहित, ये इस तरह से पूरा सही होगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैज जॉग्ड 2 miles अ डे अंटिल ही बॉट हिज बाइक। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जरा जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर जरूर दीजिएगा, आपके आंसर से ही सारी बात बनेगी यहां पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, In order to reach his office on time, Rohan has jogged 2 miles a day until he bought his bike. जब तक उसने अपनी बाइक नहीं खरीद ली, तब तक क्या किया रोहन, प्रतिदिन 2 मील प्रतिदिन, यानी a day लिखा ना, तो 2 मील प्रतिदिन जॉगिंग करता था, यानी कि चलकर जाता था। तो बात हो रही है पास्ट की मेरे बच्चों, बात हो रही है पास्ट की। इसका इसका क्या करना है, इसका आपको आंसर जो है हैज हटा देना है। अब सही हो गया। तो इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन जॉग 2 miles अ डे अंटिल ही बॉट हिज बाइक। जब तक उसने बाइक नहीं खरीदी, 2 माइल पैदल चलता था। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने अभी आपको किसी प्रपोजिशन क्लास में डिस्कस कराया था। माय हाउस इज एडजेसेंट डैश सेंट्रल पार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोगों ने आंसर देना है इसका, तब बात बनेगी। आंसर जरूर दीजिए आप लोग, क्योंकि आपके आंसर से ही सारी बात बनेगी। ठीक है, चलिए। तो बच्चों बहुत सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू था, बहुत ही सिंपल, फिक्स प्रपोजिशन की बात थी। एक वर्ड है एडजेसेंट, एक वर्ड होता है जक्स्टापोज, जक्स्टापोज। इन दोनों के साथ आपको हमेशा जो प्रपोजिशन रखनी है वो क्या है, टू रखनी है। बात समझ गए, हमेशा क्या प्रपोजिशन रखनी है, टू रखनी है। माय हाउस इज एडजेसेंट टू, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे चले अपने अगली बात पर, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पर आए। आई प्रेफर वॉकिंग डैश जॉगिंग बिकॉज आई एंजॉय द जेंटल एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग मच मोर देन जॉगिंग। आपके साथ में इस क्वेश्चन से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल भी जान नहीं है, आप जरूर से बताएं। और बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, अगर आपको लगे कि नहीं स्पीड ज्यादा है तो अब इससे क्या कम करेंगे स्पीड, क्योंकि पिछली बार जब मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल स्लो रखा हुआ है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है।
चलिए आगे बढ़े। तो देखो यहां पे बच्चों आना क्या चाहिए था, ध्यान से देखो। आई प्रेफर वॉकिंग, कभी भी प्रेफर आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, प्रायर आ जाए, इन सब के साथ आपको प्रेपोजिशन क्या रखनी है, टू रखनी है। बात समझ गए, क्या रखेंगे प्रेपोजिशन, टू रखेंगे। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, टू। आई प्रेफर वॉकिंग टू जॉगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रोहन डैश फॉर दिस कंपनी सिंस 2000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपका 100% आप दे पाएंगे। और ये इस तरह क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर सभी बच्चे दे लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे इनके बारे में बचपन से पढ़ते रहते हैं, इनके आंसर तो आप दे लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। बताएं बच्चों आंसर। चलिए शुरू करते हैं। अब रोहन डैश फॉर दिस कंपनी से 2007 से काम कर रहा, तो अभी भी काम कर रहा होगा, तो लिखा जाएगा सारे हट जाएंगे, हैज बीन वर्किंग। बिल्कुल सिंपल आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ही इज ओल्ड डैश ही इज स्ट्रॉन्ग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो ही इज ओल्ड डैश ही इज स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करें ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा पाऊं। 20 से लेके 25 क्वेश्चंस तक करवाने, लेकिन 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कराने ही कराने हैं, ठीक है। एक बार आप आंसर करें ताकि अगली बात को मैं करा सकूं फिर आपको। देखो बच्चों क्या करना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑल दो या दो, ठीक है, इनके साथ अगर बट लग जाए तो बट को किससे रिप्लेस करेंगे, येट से। येट का मतलब क्या होगा, फिर भी। क्या समझे, येट का मतलब क्या होगा, फिर भी। अच्छा दूसरी बात, although और दो के साथ अगर बट नहीं है तो yet भी ना लगाएं, yet भी येट भी ना लगाएं, ठीक है। तो येट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां तो फिल इन द ब्लैंक माना गया है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी आ नहीं सकता, ये भी दो के साथ और दो थोड़ा सकता, तो येट ही लगा दें यहां पे बस। लेकिन अगर नहीं माना है तो कुछ नहीं लगाना है, बात समझ गए। अगर बट नहीं है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा लगाए छोड़ दे। सही सेंटेंस तो ये होता है, दो ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रांग, बस इतना करके छोड़ देते हैं। पर कोई बात नहीं, एक बार इसे देख लें, ये कंजक्शन में से हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शी इज लिटिल सस्पिशियस डैश नरेन्स ट्रू इंटेंशंस। बताओ बच्चों क्या आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करें।
वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज. जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज टेल मी. सभी लोगों ने बोलना है, ठीक है, सभी ने आंसर देना है इसका. चलो शुरू करें. तो देखो बच्चे, इसमें क्या होना चाहिए था, सिंपल सी बात है. फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था. सस्पिशियस के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो कौन सी होती है? ऑफ. तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? सस्पिशियस ऑफ. बात क्लियर? अगला क्वेश्चन. अब यहां से हमारे पास क्या आ गए हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. द वर्ड इज एंटीपैथी. इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा. द वर्ड इज एंटीपैथी और आपको यहां पर इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है. तो सिनोनिम्स की बात हम करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, द वर्ड इज एंटीपैथी. आंसर निश्चित तौर पर आप दे पाएंगे, बस ध्यान से सोचकर बताइए क्या आंसर होगा. चलिए शुरू करें. अच्छा क्वेश्चन है. एंटीपैथी से हम पहले पढ़ेंगे एपैथी. इट इज कॉल्ड एपैथी. इसके बाद है एंटीपैथी. इसके बाद है सिंपैथी. और उसके बाद है एम्पैथी. ठीक है, ये चार वर्ड है. एपैथी का मतलब क्या है? उदासीन, कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल की स्थिति है, ना कम ना ज्यादा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. इनडिफरेंट टू प्लेन एंड प्रेजर, उसको कोई लेना देना ही नहीं. एपैथी, उदासीन हिंदी में कह सकते हैं, उदासीन, कोई मतलब ही नहीं है. आगे एंटीपैथी नफरत को दिखाता है, नफरत, हेट. और सिंपैथी, सिंपैथी को हिंदी में कहते हैं कि किसी के दुख में शरीक होना, किसी के दुख में शामिल होना. और एम्पैथी का मतलब क्या होता है? दुख में शामिल ऐसे होना कि उसका दुख अपना समझ लेना. तो किसी का दुख अपना समझना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी. चलिए, तो एंटीपैथी का आंसर क्या होना चाहिए? सिमिलर, डिसलाइक. अनोइंग का मतलब नाराज होना, नाराज होना, ठीक है. एफ्रेड तो डर होता. क्लम्सी का मतलब तो भद्दा, क्लम्सी का मतलब भद्दा, ठीक है. चलिए अगले वर्ड की तरफ चले. तो ये सारे देख लीजिएगा, एंटीपैथी, एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी. एम्पैथी मतलब वाकई में आप दुखी हैं, और सिंपैथी मतलब सिर्फ ऊपर से दुखी हैं, ऐसा सेंस भी मान सकते हैं. अगला वर्ड डर्थ, बहुत ही अच्छा वर्ड है. सिमिलर मीनिंग बताना है इसका. यहां लिखा हुआ है सिनोनिम. क्या बताना है? सिनोनिम. सो टेल मी द मीनिंग. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसका आंसर जरूर दीजिए. चलो समझे अगली बात को.
सो डर्थ का मतलब होता है क्या बच्चों? कमी। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। अब यहां पे देखो आंसर एक ही मिलकर शॉर्टेज, तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब किसी की तारीफ करें, कंट्रास्ट का विपरीत होता है, तो आपका आंसर भी मिल गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पिक्वेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड, जरूर से देख के आंसर बताएं। पिक्वेंट, डिस्ट्रेसिंग, गैबल, अपीलिंग, प्लायबल, क्या आंसर बनेगा? और इसका भी आपको क्या बताना है? सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम। बताएं बच्चों क्या होगा? बहुत ही अच्छा वर्ड है बताएं, और कई बार एग्जामिनेशन में देखा भी गया है। चलिए शुरू करते हैं, क्या मतलब होता है? पिक्वेंट का मतलब होता है लाइवली, या बहुत जिंदा दिली से, या जेस्टी, जेस्टी का मतलब बहुत जिंदा दिली से, बहुत हसमुख टाइप का, तो जो इस तरह से है जिससे सब लोग बात करने के लिए अट्रैक्ट हो, तो इसका आंसर क्या होगा? अपीलिंग। गैबल का मतलब होता है टॉकिंग इफेक्टिवली, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात करना, इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, और डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है क्या? तनाव में होना, डिस्ट्रेस, तनाव युक्त, ठीक है। आगे बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ, डन। चलिए अगला, प्रिजम्पशुअस, द वर्ड इज प्रिजम्पशुअस, एरोगेंट, नेग्लिजेंट, रेजोनेंट, एजम्पशन, बताइए क्या आंसर हो सकता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे, तो प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। प्रिजम्पशुअस, दिस इज द वेरी गुड वर्ड, बताएं। देखो मेरे बच्चों, प्रिजम्पशुअस एक एडजेक्टिव होता है, दिस इज एक्चुअली व्हाट एडजेक्टिव, प्रिजम्पशुअस का मतलब तो रूड, एरोगेंट, आंसर आपको मिल गया, तो आंसर क्या हो गया? एरोगेंट। नेग्लिजेंट, ध्यान ना देना। रेजोनेंट का मतलब आपने सुना होगा, रेजोनेंस, इकोइंग की आवाज आती है, एक्सट्रीम, जैसे कोई आवाज जा रही है तो वापस लौट के आ रही है, साउंड कमिंग बैक, साउंड कमिंग बैक हो गया। एजम्पशन का मतलब होता मान्यता, एजम्पशन का मतलब मान्यता, बात क्लियर? चलिए अगले वर्ड की तरफ, स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन, दिस इज द वर्ड, लॉयल एंड कमिटेड, इसका भी आपको सिमिलर बताना है, इसका भी आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, एक्सट्रीमली लाउड, अननेसेसरी, वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही सिंपल वर्ड है स्टेंटोरियन, और इससे पहले कभी एग्जाम में कभी आया नहीं है, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आंसर करिए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है?
चलिए शुरू करें। तो स्टेंटोरियन का मतलब सिंपल सा है, बहुत ज्यादा तेज, एक्सट्रीमली लाउड। आपका बात क्लियर हो गया, आगे बढ़े अपनी बात पर, और तो कुछ इसमें था नहीं बताने के लिए। अगला क्वेश्चन, टीडियस, बहुत ही बढ़िया वर्ड है टीडियस, एम्बिगिटी, इंटरेस्टिंग, इंसिडेंटल, डिवोशनल, इंसिडेंटल टी, इसमें बच्चों लेकिन बताना है क्या है, ऑपोजिट बताना है, इसमें आपको एंटोनिम बताना है, क्या बताना है आपको, एंटोनिम। तो जल्दी से बताइए, द वर्ड इज टीडियस, एम्बिगिटी, इंटरेस्टिंग, इंसिडेंटल, डिवोशनल, क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, टीडियस का मतलब क्या होता है, बहुत बोरिंग, थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ, बोरिंग भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, इंटरेस्टिंग, तो आंसर क्या हो गया, इंटरेस्टिंग। एम्बिगिटी तो आपको पता ही है, भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन, दो में से एक बात के दो अर्थ निकल रहे हो। डिवोशनल आपको पता ही है, धार्मिक, डिवोशनल धार्मिक, और इंसिडेंटल, इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, आकस्मिक के सेंस में लिख सकते से। अगला, इसको प्रिपरेशन ना हो अचानक से, टर्बुलेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आंसर देने की कोशिश करें, टर्बुलेंट, विवेशियस, पीसफुल, प्रेफेसी और अफॉर्म, ऑपोजिट मीनिंग आपको इसका निकालना है, ठीक है। तो टर्बुलेंट, विवेसियस, पीसफुल और प्रोफेसी और अफोम, पक्का करना। चलिए बताइए, आंसर आप दीजिए ताकि आगे बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं, अफोम का मतलब पक्का करना, पक्का करना। प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी, ठीक है। पीसफुल मतलब शांति, और जो विवेशियस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विवेशियस वर्ड जो बना है वो विवाद, विवेट से बना है, और विवेशियस बहुत ही अच्छा वर्ड है। और याद रखो, विवेशियस जो वर्ड है, इसके बारे में एक बहुत जरूरी बात आपको बता देना चाह रहा हूं। विवेशियस, पहले मैं आपको बता दूं, किसी एग्जाम में आया हुआ पहले वर्ड है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो विवेशियस जो है ये 2005 में आया हुआ है ये वर्ड विवेशियस, और 2011 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से विवेशियस इंपॉर्टेंट, इसका मतलब भी होता है लाइवली, इसका मतलब भी लाइवली। टर्बुलेंट का मतलब होता है वॉयलेंट, गुस्से से भरा हुआ, वॉयलेंट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीसफुल, तो आंसर क्या हो गया, पीसफुल, ठीक है। चलिए, तीन वर्ड आपके और रह गए, उसके बाद फिर इस क्लास को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्टीरियर, अल्टीरियर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आंसर दीजिए, अल्टीरियर का क्या होता है, इसका भी आपको ऑपोजिट मीनिंग देना है मुझे, क्या देना है, इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, बताइए।
सॉरी बच्चों, इसकी साउंड चली गई थी, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां देखिए, यहां पर फिर से मैं आपको बता देता हूं, शायद अल्टीरियर से साउंड नहीं था, या एक वर्ड पहले से लेके चलता हूं मैं आपको। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है वायलेंट, तो इसका उल्टा क्या था आंसर? पीसफुल, ठीक है। और इसके बाद अपने पास वर्ड था अल्टीरियर, इसका मतलब था हिडन, छिपा हुआ, तो इसका उल्टा जो ओवरट यानी कि खुला हुआ, ओपन टू व्यू, ठीक। अच्छा, इसके बाद अपने पास अगला वर्ड था एक और, वैनिटी। वैनिटी का मतलब दिखावा करना होता है, तो इसका उल्टा क्या था? मॉडेस्टी, मतलब दिखावा नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से रहना। और अपना आखिरी वर्ड है मलाइज। अब इसके बारे में बता दीजिए जरा मुझे, मलाइज। चलिए, द वर्ड इज मलाइज। मलाइज का मतलब आपको मुझे बताना है। मलाइज का मतलब होता है बीइंग इल, कह सकते हैं आप बीइंग इल, या दुखी कह सकते हैं, अनईज, अनईज, दुखी है, परेशान है, बेकार हो गया। तो अब इसमें डेस्पेयर भी, निराशा, सिकनेस, ये सब इसके सिनोनिम बनेंगे। इसका एनर्वेशन, एनर्वेशन का मतलब भी अनईज ही होता है। तो ये और ये तीनों, ये वाला तीनों क्या है? इसके सिनोनिम बन जाएगी। और हमें क्या चाहिए था? एंटोनिम। तो हेल्दी इसका क्या बनेगा? एंटोनिम। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस हम यही इस बात को रोकेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन हमने आज किए। इसी तरह से जब हम अगली क्लास करेंगे तो इसमें अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज बहुत स्लो तरीके से रहा, ताकि आपको बहुत सारे वर्ड्स मिले। थोड़ा सा आपको हो सकता है साउंड में दिक्कत आया होगा, तो एक आधी क्वेश्चन में रहा होगा ऐसा साउंड का प्रॉब्लम, बट बाकी सारा ठीक है। तो बच्चों, अगली क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।